सबसे पहले अन्ना हजारे आंदोलन के बाद जब आम आदमी पार्टी बनी और जब पूरे उरूज पर थी, तब मैं सबसे पहले छोड़ने वालों में से हूँ। और जाहिर है जब पार्टी इतनी ऊंची होती है और इतने अपने मुकाम पर सबसे आगे होती है तो कोई छोड़ता नहीं है। क्या हुआ था उन दिनों में? मैं चाहता हूँ कि जंप न लेकर हम लोग शुरू से ही शुरू करते हैं कि पहले तो पार्टी का गठन हो गया, और मुझे जहाँ तक पता है कि जैसे आप बताती भी हैं कि पहला ट्वीट आम आदमी पार्टी के ट्विटर हैंडल से आपने किया, पार्टी जब फाउंड की जा रही थी तब आपने बहुत सारे सुझाव दिए, जा रही थी जब उसके नामों और... को लेकर चर्चा थी, जब सिंबल की बातें हो रही थी, जब रजिस्ट्रेशन की बात करते थे, जब पूरा मीडिया सेल बना था, जब पहले सबसे पहले ट्वीट्स गए थे, तो वो पूरी उस पूरी जो ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप हो रहा था, तो सबसे बड़ा और अहम किरदार मेरा था। ये उस पार्टी के लोग भी कहेंगे, उनका उनके टीम में था अंकित जो देखता था, वो मुझसे पूछ कर जो पहला ट्वीट गया था, क्योंकि मैं सुपरवाइज कर रही थी, वो मैंने किया है। और लगातार सबसे पहले जब अरविंद केजरीवाल मिले हैं संजय सिंह से, तो हम लोग दिल्ली से रात के वक्त हम लोग ने ट्रेन ली और हम लोग गए थे लखनऊ, लखनऊ से हम कार से गए थे सुल्तानपुर, और वहाँ पे सबसे पहले जब मुलाकात हुई है तो मैं अरविंद केजरीवाल जी के साथ थी। एक बहुत ही है कोई डाक बंगला टाइप का था, जहाँ बहुत ही गंदा कमरा था, उसमें अब मैं आपको क्या बताऊँ कि वो पुराने ये जो तंबाकू के पैकेट थे, छुपकलियाँ थी, वहाँ पे मैं रही और सेकंड क्लास में हम लोग गए थे, बल्कि आम उसमें, क्योंकि एक था एक खुमार कि हम लोग कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता था गर्मी में हम लोग कहाँ जा रहे हैं, हमें लगता था अरविंद हमारे एक ऐसे भाई हैं जो सच में कुछ अच्छा करेंगे, भ्रष्टाचार को ख़त्म करेंगे। भ्रष्टाचार की खबरें थी, भ्रष्टाचार से पूरा ग्रस्त था देश, हर एक महकमे से भ्रष्टाचार की खबरें आती थी सुबह शाम, जब मैं न्यूज़ पढ़ रही होती थी ना उस दौरान, और ये पीक दौर था कांग्रेस पार्टी का, सिर्फ भ्रष्टाचार की खबरें होती थी, चाहे आप घोटाले का ठीक है कांग्रेस पर। आपको ये लगता है कि विभो ने सच में स्वाति मालीवाल को पीटा होगा वैसा आदमी, क्योंकि आप विभो को बहुत अच्छे से जानती हैं, 2007 में ही पहला केस उन पर दर्ज हुआ था। ये लोग कुछ भी करवा सकते हैं, तो विभव ने क्या किया होगा, किया होगा कि नहीं किया होगा, मैं आपको बता दूं जी। संतोष कोहली जी, वो संतोष कोहली जो अरविंद की भी एक तरह से आप उसको सीनियर मानेंगे, और जो एनजीओ का पूरा काम सुंदर नगरी और छुट्टियों में होता था, आरटीआई का पूरा जो कैंपेन हुआ था उसमें संतोष कोहली शामिल थी, और संतोष कोहली के घर में जब अरविंद केजरीवाल ने अपना अनशन किया था ना, उसकी भी कहानी है, मुझसे पूछेगा मैं बताऊंगी आपको, वो संतोष कोहली के घर के अंदर किया था। और सोचिए जब अन्ना हजारे ने मना कर दिया था और कहा था कि तुम आंदोलन का रास्ता क्यों छोड़ रहे हो, क्योंकि अरविंद ने तो कसम खाई थी कि मैं तो कभी भी पार्टी नहीं बनाऊंगा, मैं अपने बच्चों की कसम खाई थी, मैं अरविंद से कहती थी शुरुआती दौर में 2011 2012 2013 में, अरविंद भाई हम लोग क्यों नहीं बना लेते पार्टी, सब लोग लिखते हैं ये कि भाई आंदोलन करके क्यों आप सरकार को ब्लैकमेल कर रहे हैं, आप पार्टी बनाइए तब लड़िए। अरविंद कहते थे नहीं, ऐसा सोचो भी नहीं शाजिया, हमारी पूरी बदनामी होगी, हमारी विश्वसनीयता खत्म हो जाएगी। तो मैंने तो टीवी में कहा ये, और जब तक स्टार न्यूज़ होता था उसी की मैं डेब्यू एंकर रही हूँ, और मुझे याद है दीपक चौरसिया ने मुझसे सवाल पूछा था, और मैंने कहा था मैं कसम खाती हूँ, इस बात की गारंटी देती हूँ कि ना अन्ना हजारे ना अरविंद केजरीवाल राजनीति में शामिल होंगे, मैं हो सकती हूँ, मतलब दो फेस थे केजरीवाल के, मैं हो सकती हूँ लेकिन ये नहीं होंगे, इतना यकीन था मुझे, दो फेस था, कितनी बेवकूफ थी मैं। आप ये समझ रही भाई कि ये आदमी भगवान है हमारे लिए, और आपसे कह रहे हैं कि पार्टी नहीं बनेगी, आपने टीवी पे जाके प्रॉमिस कर लिया, ये प्रॉमिस किया, और इधर कुछ और चल रहा था उनके मन में, आप यकीन आप नहीं करेंगे कि 3-4 महीने बाद पार्टी पार्टी बनी। इसको लेकर हिमाचल प्रदेश में उन्होंने पूरा छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया, प्रशांत भूषण भी चाहते थे, शांति भूषण भी कह रहे थे, तब योगेंद्र यादव भी आ गए थे कि हम लोग पार्टी बनाएंगे, और जब इन्होंने ऐलान किया तो अन्ना हजारे बहुत नाराज थे, सब जानते हैं क्या कुछ हुआ। अरविंद इतने गुस्से में, जो अभी शक्ल देख रहे हैं ना आप इनकी, वैसी शक्ल, एक टिपिकल उनका एक्सप्रेशन होता है जो वो बहुत गुस्से में होते हैं या परेशान होते हैं, और ये बात मेरे सामने हुई है। उन्होंने पूछा कितने दिन बैठा था ये अन्ना हजारे, कितने दिन बैठा था, तो किसी ने कहा 13 दिन बैठे थे, हम लोग ने फौरन चेक किया 13 दिन बैठे थे, मैं 14 दिन बैठूंगा, देखो दिखा दूंगा मैं 14 दिन रहूंगा मैं। और संतोष कोहली के घर में इन्होंने अनशन किया, और अनशन के दिन उसकी तस्वीर मैं भेजूंगी, मैंने उसको तस्वीर को एक बार ट्वीट भी किया था कि मैं कुमार विश्वास और मनीष सिसोदिया बैठे हैं, अरविंद बहुत ही मतलब जाहिर सी बात है अनशन में बैठे हैं। उसी दिन जब मैं रो पीट रही थी और मेरा भतीजा भी मेरे साथ गया था, मैं जब अंदर गई हूँ तो उनके एक नेचुरोपैथ एक डॉक्टर टाइप के हैं, और वो बोले वो कोकोनट वाटर नारियल पानी तैयार कर रहे थे,
तो हमने कहा अरविंद कहाँ लेंगे, तो उसे पानी लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। बोले नहीं कुछ उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। और मैंने देखा कि कुछ जैसे कि खीरा होता है ये, तो मैंने कहा ये अरविंद थोड़ी ना लेंगे, क्योंकि अन्ना हजारे ने जब अनशन किया था ईमानदारी से किया था, दुनिया की नजरों के सामने किया था। बाकायदा उनका आपको याद है वो स्टेज होता था यहाँ पे, अन्ना हजारे की छोटी सी एक टेंट लगा था, उसमें सोते थे, सारे डॉक्टर्स की मौजूदगी में होता था, 24 आवर्स विजिल पर होता था। लेकिन इनका तो संतोष कोहली के घर में, सुंदर नगरी में, उसके घर में हुआ। बीच बीच में कैमरा आते थे, तो वो मैंने देखा। मतलब मैंने सोचा अभिषेक आप यकीन नहीं करेंगे, नहीं अभिषेक मैं यहाँ रो रही हूँ, वो तस्वीर मैं आपको भिजवा दूंगी, आप भेजती हूँ मैं अभी आपको। मैं ऐसे बैठी हूँ और मैं ऐसे रुवासी सी हो रही हूँ, मैं तो रोती भी थी। तो मैं कहती थी क्या ऐसे, क्योंकि अरविंद की शक्ल वाकई में ढल गई थी। और 2 घंटे बाद मैं अंदर जाती हूँ तो मैं ये देखती हूँ, मैं चुप हो गई। मैंने कहा अच्छा नहीं लगता कुछ कहना। मैंने कहा क्यों खिला पिला रहे हैं? बोले मारने दें इनको, ये चाहती हूँ मैं। मैं चुप हो गई, मुझे लगा कि और लेकिन अन्ना का पूरी ईमानदारी से हुआ था। हम लोग खैर बाहर आए, मुझे थोड़ा अजीब सा लगा, लेकिन मुझे लगा शायद इसका कोई मकसद होगा, ये अपनी विश्वसनीयता बनाएंगे। तो ये है इंसान,